Good morning. Today we will be discussing about the secondary memory in a computer fundamentals. Previous video में हमने already सबसे पहले volatile memory, non-volatile memory, then after cache memory, primary memory and secondary memory के जो basic concept होते हैं वो देख लिए थे. बाद में primary memory detail में देखी थी. अब आज हम बात करेंगे secondary memories में, मतलब कि HDD क्या है, SSD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है और पेन ड्राइव क्या है, वो सेक्शन हम लेने वाले हैं. तो यहाँ पे पहले तो सेकेंडरी मेमोरीज का जो रिवाइज सेक्शन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो हमारी सबसे स्लोएस्ट मेमोरी है इन आवर कंप्यूटर एंड ऑल्सो द चीपेस्ट इन एनी मेमोरी फॉर्म, मतलब कि वॉलेटाइल बोलो या फिर नॉन वॉलेटाइल बोलो, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी जो कुछ भी आता है उसमें सबसे स्लोएस्ट और सबसे चीपेस्ट जो है दैट इज इन अवर सेकेंडरी मेमोरी. नेक्स्ट इट कैन बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द CPU, मतलब कि वो प्रोसेसर हमारा जो कुछ भी होता है सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है, इट ऑलवेज कम्युनिकेट वाया रैम, मतलब कि पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सेकेंडरी मेमोरी में से प्राइमरी मेमोरी में आती है, देन आफ्टर इट कलेक्ट्स इट फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी एंड पास इट टू द कैश मेमोरी, और हमारा प्रोसेसर जो कुछ भी होता है उस पर वर्कआउट करता है. सेकेंडरी मेमोरी के जो एग्जांपल्स है वो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल ड्राइव है, पेन ड्राइव है, मैग्नेटिक टैप्स है, ठीक है. ये सभी से पॉइंट्स हम आगे के वीडियोस जो कुछ भी हो गए उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस जो कुछ भी हमारे चैप्टर में आएगा कहीं बीच में तो उसको हम डिटेल में देखेंगे. लेकिन यहाँ पे उसके बेसिक फिर से पॉइंट्स दिए कि वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि आफ्टर लूजिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वी विल बी स्टिल हैविंग अवर डेटा व्हेन वी अगेन स्विच बैक टू अवर कंप्यूटर. बाद में वो लार्ज कैपेसिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब कि TB तक की आप हार्ड डिस्क देख सकते हैं, 1 TB 2 TB की इजीली अवेलेबल होती है. अब यहाँ पे दिखाया है कि डिपेंडिंग ऑन सेकेंडरी डिवाइस कि वो इंटरनल स्टोरेज है या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज है. इंटरनल स्टोरेज जनरली वो फिक्स्ड फॉर्म में होती है और एक्सटर्नल स्टोरेज जनरली पोर्टेबल फॉर्म या फिर आप कह सकते हो रिमूवेबल फॉर्म्स में होती है. तो यहाँ पे उसका एक अलग से फिर से दिया है कि मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क और SSD जनरली इसे आप फिक्स्ड फॉर्म कह सकते हैं, मतलब कि लैपटॉप में हमारी जो इंटरनल जो हार्ड डिस्क होती है उसे कहीं भी अलग से सिर्फ हार्ड डिस्क निकाल के कहीं भी अगर हमें घूमना है दैट इज़ नॉट पॉसिबल अप टू सम लेवल, मतलब कि पूरा लैपटॉप हमें पहले ओपन करना होगा, काफ़ी सारे स्क्रूज आते हैं उसके लिए, बैक स्क्रूज होते हैं, 15-20 स्क्रू हमें पहले ओपन करने पड़ेंगे, बाद में हमारे जो कुछ भी होती है हार्ड डिस्क हमें दिखेगी उसे बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा, देन आफ्टर वे विल बी एबल टू एक्चुअली सी अवर हार्डवेयर, बाद में जेंटली उसे रिमूव करना होगा कहीं ले जाना. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कह सकते हो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक आवर लैपटॉप हार्ड डिस्क टू अ रिमोट लोकेशन, ईजी नहीं है, पूरा लैपटॉप लेके जाना पड़ता है. इन द सेम वे SSD भी ऐसी आती है. HDD और SSD में जो डिफरेंस होता है दैट स्पेशल इज द रीड राइट स्पीड. अब इस दोनों की रीड राइट स्पीड में काफ़ी सारा डिफरेंस है. अब क्यों है वो एक अलग वीडियो में हम कवर करेंगे, इसमें हम नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा. अभी कॉन्सेंट्रेट करना है बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी क्या है. तो यहाँ पे फिक्स्ड और पोर्टेबल का एक चार्ट दिया है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, USB हार्ड डिस्क है. USB हार्ड डिस्क तो आपने सबने देखी होगी और पेन ड्राइव तो आप सभी यूज करते ही होंगे, मतलब कि कहीं भी कुछ भी डेटा अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पेन ड्राइव से हम ले जा सकते हैं. तो यहाँ पे छोटी सी सबकी डिटेल्स दी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है. उसमें मैग्नेटिक डिस्क आती है, प्लेटर्स आते हैं, एक स्पिंडल आता है जिसकी मदद से हमारा जो प्लेटर्स है वो रोटेट होता है. यहाँ पे जो सिल्वर सर्कल है लाइक अ CD, ठीक है, इसे हम प्लेटर्स बोलते हैं. यहाँ पे उसका स्पिंडल मतलब कि मोटर आती है जिसकी साथ वो ये प्लेटर्स अटैच होते हैं और किसी भी एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली रोटेट होते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज समझ लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि कभी क्लॉकवाइज या फिर कभी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा नहीं होता, एवरी टाइम वो क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो क्लॉकवाइज ही घूमते हैं. यहाँ पे जो एक हैंडल दिख रहा है आपको दैट इज एन एक्चुअल हेड, हार्ड डिस्क हेड, और सबसे आगे जो यहाँ पे जो पॉइंट होता है सबसे आगे पॉइंट छोटा सा, इट एक्चुअली रीड्स एंड राइट आवर इंफॉर्मेशन और डेटा ऑन टू द हार्ड डिस्क. अब प्लेटर्स होती है सर्क्यूलर फॉर्म में होती है और ये जो हैंड हमारा जो
एक्चुअल में जो हेड है वो आगे पीछे रोटेट होता है, मतलब कि यहाँ का कभी डेटा रीड कर रहा है मेरा माउस पॉइंटर, तो ये हेड क्या करेगा, यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ का डेटा मूव करना है, रीड करना है, तो यहाँ से हेड मूव होके यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लो यहाँ का मेरा माउस पॉइंटर शायद आप देख पाओगे बॉटम का, तो क्या होगा कि हमारी प्लेट यहाँ पे पूरी घूम के यहाँ पे आएगी और साथ में हमारा हेड घूम के यहाँ पे आएगा, दोनों चीज़ साथ में होगी। डिटेल में हम वीडियो इसका देखेंगे कि एक्चुअली इसमें कैसे रीड होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इंटरनल केस होता है हार्ड डिस्क का पूरा एयर सील्ड होता है, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक स्टोरेज होती है और कहीं डेटा नॉर्मल एटमोसफियर में आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए, इसलिए पूरा इसे एयर सील बनाया जाता है। कुछ भी डेटा अगर आपको स्टोर करना है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसमें आप ऑडियो स्टोर कर पाओ, वीडियो स्टोर कर पाओ, डॉक्यूमेंट स्टोर कर पाओ, एनी काइंड्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन डाउनलोड अवर हार्ड डिस्क, ठीक है। बाद में आती है एसएसडी, रीड राइट स्पीड काफ़ी हमें ज़्यादा मिलती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे बोला जाता है। अगेन इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम मूव नहीं कर पाओगे क्योंकि इट इज़ ए इंटरनल स्टोरेज और यू कैन सेंड फिक्स डिवाइस। आज के नए लैपटॉप्स में आप एसएसडी अपग्रेड करवाओगे तो काफ़ी आपको परफॉर्मेंस में अपग्रेडेशन मिलेगा, ठीक है। आप 8 GB रैम लगाओ, उससे अच्छा है आई सजेस्ट यू कि आप एसएसडी कर दो, ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टअप टाइम होता है, नॉर्मल प्रोसेस टाइम जो होता है वो होता है एक्चुअली हमारी हार्ड डिस्क, मतलब कि हमारी जो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली इट इज़ बीन इंस्टॉल हो इन टू अवर हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क ही हमारी पूरी जो स्लो है तो रैम हमें कितनी भी लगाए वो तो बट ऑफ से लेस कंसर्न है। तो अगर आपके लैपटॉप में अगर 4 GB हार्ड डिस्क है समझ लो, तो आई सजेस्ट यू टू अपग्रेड योर हार्ड डिस्क देन टू अपग्रेड योर रैम। 8 GB रैम मत करो, आप एक SSD लगवा दो, 128 GB लगा दोगे तो भी 120 GB की एक छोटी सी हार्ड डिस्क आती है, वो आज की डेट में आप समझ लो ना 2500 की आती है 120 GB, उसमें आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो, ठीक है, ठीक है, पूरी एक हार्ड डिस्क ऐसे सी ड्राइव रख दो और रिमेनिंग जो हार्ड डिस्क होगी वो भी ऑलरेडी अटैच की अटैच ही रहेगी, वो आपको निकालनी नहीं पड़ेगी। हाँ बट ऑब्वियस आपका राइटर तब निकल जाएगा अगर राइटर यूज़ कर रहे हो, तो दोनों हार्ड डिस्क पैरेलल आप चला सकते हो, लेकिन SSD से आपको काफ़ी परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ दैट, आप टेक्निकल पर्सन से भी आप पूछ लो, काफ़ी अपग्रेड हो जाएगा आपका लैपटॉप, अगर आप स्पेशल लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूँ। बाद में आता है अगर पेन ड्राइव, यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल आप कह सकते हो एक ग्लोबल ब्रांड जैसा कुछ स्कैंडिस का जो है फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहली जो मेरी पेन ड्राइव थी, माय पर्सनल फर्स्ट पेन ड्राइव वॉज एन ऑफ 128 MB, मैंने मेरी लाइफ की जो सबसे पहली पेन ड्राइव खरीदी थी दैट वॉज एन 128 MB, और हमें उसे हमारी जो बेसिक सिस्टम ड्राइवर्स थे उसे स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे, और डेटा ट्रांसफ़र भी उसी में से हम करते थे। 128 वॉज मोर देन इनफ वो इन अवर टाइम, लेकिन आज की डेट में आप 256 GB तक की आसानी से भी मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव कहीं से भी आप ले सकते हो। एक स्टैंडर्ड साइज है आज की डेट दैट इज़ एन 32 GB, 16 GB भी मिलती है कई जगह पे, लेकिन आज की डेट की जो स्टैंडर्ड साइज़ है पेन ड्राइव की, आप कहीं भी लेने जाओगे दैट इज़ अवेलेबल एन 32 GB। सेकेंडली इट इज़ एन प्लग इन प्ले डिवाइस, मतलब कि एडिशनल किसी ड्राइवर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपके सिस्टम में पेन ड्राइव की जगह प्रिंटर लगाते हो या फिर स्कैनर लगाते हो, तो एडिशनल आप कुछ सॉफ्टवेयर या फिर एक ड्राइवर सीडी में वो लोग देते हैं और उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर। पेन ड्राइव में ऐसा कुछ आता नहीं है, इट इज़ एन प्लग इन प्ले, आप लगाओ डायरेक्टली आपका जो कुछ भी डेटा स्टोरेज होगा वो आप एक्सेस कर पाओगे। छोटी सी इसमें एक IC आती है, उस IC में ही सभी हमारा जो कुछ भी डेटा स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट ऑफ इट इज़ एन कॉम्पैक्ट डिस्क, सबसे पहले जो कॉम्पैक्ट डिस्क वो बनी थी दैट वाज इन 1982, फिलिप्स और सोनी ने दोनों में साथ में बनाई थी, और सबसे पहले जो थी वो स्पेशली फॉर एन ऑडियो फाइल्स, ठीक है। सबसे पहली जो CD जो स्टोर बनाई थी दैट वाज स्पेशल पर्पज फॉर ऑडियो फाइल्स। आज की डेट में भी कुछ ऑडियो फाइल्स आती है, अगर किसी भी CDs को आप परचेस करते हो हमने देखा होगा डायरेक्टली आप उसे ऑडियो ट्रैक 1, ऑडियो ट्रैक 2, ऑडियो ट्रैक 3 आपके लैपटॉप में या फिर PC में प्ले करोगे तो आपको दिखता है 15 से 16 गाने उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है, मतलब कि उससे ज़्यादा स्टोर नहीं होता था, फॉर्मेट वॉज सच लाइक दैट। लेकिन उसी CD में बाद में जब डॉक्यूमेंट स्टोर हुए और नॉर्मल MP3 फाइल्स जब स्टोर होने लगी तो काफ़ी सारे स्टोर हुआ, क्योंकि ऑडियो का कुछ फॉर्मेट ही अलग था। बाद में वेरियस पर्पस के लिए सब उसमें सॉफ्टवेयर्स अपने फोटोग्राफ्स अपने वीडियोस स्टोर करने लगे। ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, इसमें स्पेशली ग्लास नहीं है, ये आप सुन लो,
ग्लास मटेरियल इसमें यूज़ नहीं होता, स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक इज़ बीन यूज्ड। ठीक है, आप तभी आपको देख मालूम होगा कि अगर सीढ़ी का कुछ पोर्शन रिटर्न यूज होता है तो वो एक अलग कलर में चेंज होता है, क्योंकि उसमें 1010 का जो पिट्स एंड लेंस का फॉर्म जो जनरेट होता है ना, उसकी वजह से आपको एक पूरा प्लास्टिक का जो एक छोटा सा एरिया होगा जिसमें हमारा डेटा एक्चुअली जो स्टोर किया जाता है वो एक अलग कलर में आपको हाईलाइट दिखेगा ही। आज की डेट में भी अब ये आउटडेटेड है, क्योंकि इतनी पोर्टेबल नहीं थी। पोर्टेबल मतलब कि उसको काफ़ी संभाल के रखना पड़ता था, उसका एक प्लास्टिक केस अलग से परचेस करना पड़ता था, स्क्रेचेस हो जाने के बाद हमारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता था, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड भी इतनी नहीं थी कंपेयर टू टुडेज पेन ड्राइव। और पहले आती थी दैट ओनली वॉज एन रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, बाद में उसे रीड ओनली के बाद अपग्रेड करके री राइट में लिया गया, मतलब कि एक ही सीडी को मल्टीपल टाइम्स अगर आपको डेटा को राइट करना है तो डेट वॉज पॉसिबल, लेकिन जो प्लास्टिक मटेरियल था उसकी क्वालिटी इतनी इम्प्रूवाइज नहीं हुई। तो आप 3 या 4 बार ही पुराना डेटा को इरेज करके नया डेटा आप राइट कर पाते थे, मतलब कि आज की पेन ड्राइव जैसा तो नहीं था कि जितनी भी बार आपको पुराना डेटा डिलीट करना है नया डेटा राइट करना है आप नहीं कर पाते थे। और उसका स्पेशल आपको पूरा राइटर परचेस करना पड़ता था, उसका लेंस मेंटेन करना पड़ता था, लेंस खराब हो जाता था तो वो रिपेयर करवाने का भी कॉस्टिंग काफ़ी था। उससे अच्छा तो हम लोग बोलते थे कि चलो भाई नया राइटर ही डाल दो, ठीक है। और स्टोरेज जहाँ तक मुझे मालूम है लास्ट में डीवीडी बाद में जो आई थी कॉम्पैक्ट डिस्क के बाद, डीवीडी में 4 GB तक की डीवीडी इस मार्केट में चली, 8 GB की भी थी, लेकिन वो तो इतनी सक्सेस नहीं हुई थी क्योंकि पेन ड्राइव्स इतनी सक्सेस हो गई कि कोई अब डीवीडी को यूज़ ही नहीं कर रहा था। ये सब सेकेंडरीज मेमोरी थी। अब ये हार्ड डिस्क देखा, SSD देखा, पेन ड्राइव देखा, और जो कुछ भी अदर इंटरनल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, उसका डिटेल में हम सब इंडिविजुअल डिवाइस वाइज वीडियो देखेंगे। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअली किसे बोलते हैं वो समझने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो था। तो आज का वीडियो में बस इतना ही टॉपिक था, और आगे के वीडियोज़ में हम और भी टॉपिक्स को शेयर करते रहेंगे।